हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वधवान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा। तो भाई नवोदय समिति का जो है वो रिजल्ट आ गया है। तो नवोदय समिति का जो रिजल्ट आया उसमें आ चुका है, इसमें मेरे बच्चे बायोलॉजी का आ गया, पीजीटी बायोलॉजी का आया है। उसके अलावा आपका बायोलॉजी के बाद आया है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के अलावा आपका आ चुका है 3 नंबर के बाद केमिस्ट्री 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 मेल फीमेल दोनों मिला के है। कॉमर्स का भी आ गया, कॉमर्स के बाद इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स के बाद आपका जी जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बाद आपका आ जाता है इंग्लिश का भी है। इंग्लिश के अलावा जब आप देखेंगे इंग्लिश के अलावा आपको दिखाई देगा ज्योग्राफी का भी आ गया। ज्योग्राफी के अलावा अगर आप देखेंगे तो हिंदी का आ गया। हिंदी के अलावा अगर देखें हिस्ट्री का आ गया। हिस्ट्री के अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें मैथ का भी आ गया। और मैथ के अलावा तो इन शॉर्ट पीजीटी का रिजल्ट आ गया। और इसमें जो सिलेक्शन हुआ बच्चे को वो लिए इन्होंने 1:5। तो 1:5 का मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप एक इंटरव्यू पर जो जाएंगे बच्चे 5 बच्चे बुलाए गए एक सीट के लिए। और अगर एक सीट के लिए 5 बच्चे बुलाए गए हैं तो इसका मतलब ये भी है कि इंटरव्यू का जो कंपटीशन होगा वो हाई होगा। और वो होता ही है, इसमें ऐसी बात भी नहीं कि नहीं होगा। अच्छा दूसरी बात एक और आ जाती है, क्योंकि भाई NVS का जो इंटरव्यू लगभग लगभग वैसे ही होता है जैसे KV का इंटरव्यू होता है। तो उसकी तैयारी भी आप थोड़ा बढ़िया से करिएगा, है ना। बढ़िया जो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज भी यहाँ पर थोड़ी बहुत ज़्यादा देखी जाती है आपके साथ। और दूसरी बात यह है कि भाई एक सीट पे अगर 5 बच्चों को बुलाया तो इसमें तो कंपटीशन टफ होगा। तो जितना बढ़िया आपका इंटरव्यू होगा उतना बढ़िया आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। अभी TGT का रिजल्ट नहीं आया, तो जैसे TGT का रिजल्ट आता है उस पर बात करेंगे, बता दी जाएगा आपको। लेकिन फिलहाल तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अध्ययन मंत्रालय के जो बच्चे आए हैं उनका मैं दिखा दूँ भाई, तो हमारे यहाँ NVS ऑनलाइन ग्रुप में बच्चों की चैट के साथ ही पता चल गया कि जो सिलेक्शन है वो आ चुका है। तो जो है ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं आप लोगों के सामने में कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देता हूँ और इधर से मैसेज आ जाएगा, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिएगा ये है कि आप अगर बेहतर पढ़ते रहेंगे तो बेहतर आपका रिजल्ट भी आता रहेगा। और एक बात तय है कि NVS हो चाहे फिर आपका KVS हो, ये मायने रखता है आपके किस चीज़ पर, ये मायने करता है आपकी मेहनत पर कि आप कितना डेडिकेशन के साथ। लेकिन यहाँ आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की होती है, जिस पर आपको एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पर क्या है तैयारी करनी पड़ती है। अब मेरी आंखें देखो ये ऐसी हो जाती है शाम तक आते आते, लेकिन पूरा दिन क्लास लेना पढ़ाना और उसके बाद ना आप लोगों के साथ YouTube पर भी जितना हम कर पाते उतना करते हैं। बट मैं आपसे बोलूँगा कि ये वक्त है ऐसा जिसमें आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा रिजल्ट। बाकी भगवान आपको खुश रखे, मुस्कुराते रखे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे बच्चों के मैसेज आने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट एक बार फिर सारे लोगों को जिनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, चलो इंटरव्यू की तैयारी करो ना, लग जाओ, बाय बाय।